क्वेश्चन है, किसी किसी ने पूछा है, नीलेश जी ने पूछा है कि फोटोन की पैरिटी कैसी होगी, बताइए आप में से कोई आंसर दे दीजिए, फोटोन की पैरिटी कैसे होगी। चलिए ठीक है, तो अगर बात करें हम किसकी, फोटोन की, तो फोटोन भी क्या होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। ठीक है, क्या होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। और ये क्या होता है, अगर हम बात करें कि कोई क्या है आपके पास, अगर जो है फोटोन कहाँ से इमिटेड होता है, जब कोई लेजर बीम, जब क्या है मान लीजिए एक जो है प्रोड्यू, कहाँ पर क्या है फोटोन, जानते हैं आप एनर्जी ऑफ क्वांटा होता है इन क्वांटम मैकेनिक्स में, तो पैरिटी इसके पास -1 होती है, फोटोन के पास ऑड पैरिटी होती है। फोटोन के पास क्या होती है, कितनी होती है, जो है क्या होती है पैरिटी इसके पास, -1 होती है। कभी कभी फोटोन की स्पिन स्टेट पूछी जाती है, स्पिन स्टेट क्या क्या हो सकती है, तो ये क्या है देखियो, कहाँ कहाँ तीन स्टेट होती है इसके पास, +1 h कट हो सकती है और 0 h कट हो सकती है, और क्या क्या हो सकती है, -1 h कट हो सकती है, 3 स्पिन स्टेट हो सकती है इसके पास। ठीक है, और तीसरी, अगर अगर हम क्या बोले, अगर हम इसकी चार्ज कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, ठीक है, चार्ज कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सी पैरिटी बोल देते हैं। ठीक है, अगर सी पी जो कि देखिए क्या हो जाता है, सी का मतलब है, सी का मतलब है चार्ज कॉन्जुगेशन, और पी का मतलब है पैरिटी। ठीक है, और कभी कभी तो सी पी टी पूछा जाता है, सी पी टी मतलब ये है आपका पैरिटी, क्या बोलेंगे, चार्ज पैरिटी टाइम रिवर्सल, ठीक है, टाइम रिवर्सल या टाइम पैरिटी अगर बोलते हैं उसको, तो ये जो सी पी है ये भी कितना होता है इसके लिए, सी पी -1 होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें किसके लिए, ठीक है, 3 स्टेट आ गई पैरिटी, तो क्या होगी इसके पास, ऑड पैरिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था इनका, बोसोन की पैरिटी एंड फर्मियोन्स की पैरिटी क्या होगी, चलिए बताइए बोसोन और फर्मियोन्स की पैरिटी क्या होगी, पैरिटी ऑफ बोसोन एंड फर्मियोन्स। बोसोन इबन और फर्मी और बोसोन इबन एंड इबन पैरिटी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो याद रखना, जब हमने स्टार्टिंग में ही लिखा होगा तो हमने कहा होगा कि जो पैरिटी है, अगर हम किसकी बात करते हैं, फर्मियोन्स, अगर हम एंटी फर्मियोन्स की बात कर लेते हैं, एंटी फर्मियोन्स क्या है कि जो है बोसोन हो गया एंड इसके जो क्या एंटी पार्टिकल हो गए, जैसे कि फर्मियोन्स हो गए, इसके एंटी पार्टिकल हो गए, हमने कहा था कि बोसोन एंड डियर एंटी पार्टिकल है, क्या हो जाएगा, सेम इंट्रेंसिक क्या होती है, पैरिटी हो सकती है। ठीक है, तो क्या होती है इसके पास, प्लस पैरिटी यानी इवन पैरिटी होती है। ठीक है, और फर्मियोन्स के पास क्या होती है, नेगेटिव यानी ऑड पैरिटी। चलिए क्लियर है नीलेश जी, सर मेसोन्स के पास कैसी होगी, मेसोन मेसोन किस में आएंगे, बोसोन में आएंगे, तो बोसोन में जी इनकी ऑड पैरिटी नहीं होगी, नहीं, इवन पैरिटी होगी इनके मेसोन्स की कैसी होगी, पास, मेसोन की इवन पैरिटी, मेसोन ही तो बोसोन है। और आपने पढ़ा जो होगा मेसोन ऑक्टेट पढ़ा होगा, वहां पढ़ा होगा आपने जेपी की माइनस, जेपी जो है माइनस पढ़ा होगा, माइनस ओ माइनस होता है सर, कहा होगा ऑड पैरिटी विद 0 स्पिन, ऐसा पढ़ा होगा, स्यूडो स्क्वेलर मेसोन बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, स्यूडो हाँ सर, स्क्वेलर। यहाँ पे आपने वो माइनस लिखाया था ना उस समय, जी, मैंने उसके आगे भी लिखवाया होगा कि ऑड पैरिटी, ऐसे लिखवाया था ऑड पैरिटी,
बिल्कुल लिखवाया था, विद जीरो स्पिन ऐसा लिखवाया तो था। मेस और इसके इसके आगे सर देखो, ये मे ऑक्टेट बनाया मैंने, मेसोन जी बिल्कुल यहाँ लिखे है, यहाँ लिखा था के ऑन्स, यहाँ पर लिखा था के प्लस, यहाँ पर के जीरो, और यहाँ पर क्या है के का बार, ऐसा लिखवाया था। ठीक यस है, सर लिखा रखा है। तो ये मेसोन ऑक्टेट है, इनको क्या बोलते हैं, स्यूडो स्केलर मेसोन बोलते हैं, नॉट मेसोन। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मेसोन ऑक्टेट आता है, या इसका नाम आता है स्यूडो स्केलर मेसोन। देखो जहां पर ऐसा बना रखा हमने, ऐसा वहां पर हमने ऐसा बना रखा होगा, ये ऑक्टेट बना रखा ना, इधर लगा रखे हमने, इधर I3 लिखा होगा कहीं, फिर इधर जो है हमने क्या केओन्स लिखा होगा, के प्लस लिखा होगा, इधर के क्या लिखा होगा, के जीरो, फिर इसका एंटी पार्टिकल हमने यहाँ के जीरो का बार यहाँ लगाया होगा, और के माइनस जो है हमने यहाँ लगाया होगा, के प्लस का बार, और यहाँ पर लिखा होगा हमने, यहाँ पर लिखा होगा हमने पाई माइनस, और यहाँ पर पाई प्लस, और बीच में पाई जीरो। तो हमने इस केस में यहाँ पर लिखा है था कि जेपी इक्वल टू कितना है, माइनस ओ के पास, हमने कहा था इसके पास क्या ऑड पेरिटी है, बिल्कुल माइनस का मतलब ऑड पेरिटी, पर ये मेसोन ऑक्टेट है। क्या है ये, मेसोन ऑक्टेट। तो अगर मेसोन ऑक्टेट आता है, मेसोन ऑक्टेट, और यहाँ पर स्यूडो, अगर आप स्यूडो स्केलर मेसोन, तो उसके केस में क्या आ जाएगी, इसकी पेरिटी ऑड पेरिटी आ जाएगी। ठीक है, ओनली बोसोन आए, मेसोन आए ओनली लिखा हुआ, तो उसकी पेरिटी कितनी होती है, इवन पेरिटी होती है। ठीक है नीलेश जी, क्लियर है, ओके सर जी सर जी ठीक जी है, ठीक है। चलिए यहाँ से इनके क्वेश्चन हो गए। अब जो है किसी के और कुछ तो नहीं थे, मोनिका जी के क्वेश्चन थे, उनको भी देख लेते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, फिर बीच में ले लेंगे इनके क्वेश्चन। मोनिका जी, कौन सा क्वेश्चन था मोनिका जी आपका, 17, 17 का सॉल्यूशन बता देना। एक स्टार मूविंग विद स्पीड इतनी, विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, डॉपलर इफेक्ट का, ये तो डॉपलर इफेक्ट का है, बिल्कुल जी मैम आपके बता देंगे। और दूसरा जो कैरियर स्पेक्ट्रा का पूछा हुआ है, एक मैग्नेटिक नीडल है लाइंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल लाइन करती है, रिक्वायर्ड टू डब्ल्यू यूनिट ऑफ वर्क टू टर्न कितना थ्रू द 60 डिग्री, द टॉर्क नीड टू मेंटेन। तो हमने इसके तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराए, टॉर्क के, टॉर्क इक्वल टू कितना लिखा था हमने, एम क्रॉस बी लिखा था ना, ये लिखवाया था। अब कितना आ जाएगा, ये तो आसान है, कितना आ जाएगा, ये लिखवाया था टॉर्क का फॉर्मूला, एम बी साइन थीटा। अब कितना टॉर्क, कितना ये कितना हो जाएगा, वर्क वर्क डन जो है कितना, यहाँ पर टॉर्क कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा एम बी, कितना हो जाएगा साइन, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3/2। अब देख लीजिए, अगर हमको टॉर्क और वर्क डन में क्या रिलेशन आता है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, क्लास के अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लास के बाद आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर थे हम, द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नॉट कंसीडर एज अ कंस्टिट्यूंट ऑफ द न्यूक्लियॉन, क्यों नहीं माना जाता इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस का कंस्टिट्यूंट, मतलब मूलभूत कण नहीं माना जाता न्यूक्लियस के अंदर, एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि जब बीटा डीके होता है तो न्यूक्लियस से बीटा रेज निकलती जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका रीजन पूछा उन्होंने कि क्यों ऐसा होता है। तो इसका रीजन क्या है, देखो एक तो एनर्जी का बहुत सारे रीजन थे, एक अनसर्टेनिटी की बात थी मोमेंटम और पोजीशन के, और दूसरी एनर्जी उसकी बहुत लो होती है इसलिए न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता, तीसरा चीज जो है इसका डी ऑप्शन है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस देन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका डी ऑप्शन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए,
रेडियस ऑफ कितना कितना दे रखा है? बेरिलियम इज 2.4 फर्मी। द रेडियस ऑफ इतना न्यूक्लियस विल बी, क्या हो जाएगा? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? देखिए सिंपल सा, आर इक्वल टू कितना पढ़ा आपने? आर नॉट ए की पावर 1/3। बेरिलियम का कितना, इसका भी दिया होगा कुछ ना कुछ। आर इक्वल टू रेडियस का फॉर्मूला हमने पढ़ा, आर नॉट ए की पावर 1/3। देख लीजिए, आर 1 मान लीजिए इसको, जो बेरिलियम है कितना होता है बेरिलियम का? 3 ना? हाँ, 3 3 होता है। कितना, 9 होता है? चार और ये 4 तो नीचे होता होगा ना, ये तो 9 होता है ऊपर। ऊपर 9 होगा सर। ओके ओके, चलिए। तो यहां पर देखिए आर नॉट ये कितना हो जाएगा, इसका ए होता है 9 1/3, और डिवाइड कर लेंगे इसको किससे, आर किससे, एल्युमिनियम से। ये कितना हो जाएगा आर नॉट, ये कितना हो जाएगा 27 1/3। तो अब ये आर से आर कट गया, तो ये तो आसान हो जाएगा, आर बी ई अपॉन आर ए एल, ये ऊपर चले जाए। देख लीजिए अब ये कितना हो जाएगा, ये कितना, ऐसे लिख दूं मैं इसको 1/3, डायरेक्ट लिख दूं 1/3 की पावर 1/3। अब आपको क्या दे रखा, ऊपर ले जाइए, आपको ये एल्युमिनियम वाला निकालना है। तो ये ए कितना दे रखा है आपके पास, ये कितना दे रखा है ऊपर, बेरिलियम का दे रखा कितना 2.4। अब ये ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर जा जब जाएगा 1/3 है, ठीक है, तो 1/3 कितना आता है इसका, 1/3 आर आर एल्युमिनियम, ये कितना 1/3 की पावर 1/3, तो कितना हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, और 3 फर्मी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब सॉल्व तो कर ही सकते हो उसको, कैलकुलेशन। रेशियो नहीं पूछ रहा, निकालेंगे ऐसे ही। ऐसे ही निकलेगा, रेशियो नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकलेगा, डायरेक्ट नहीं निकल सकता। नाइन होता, 8। चलिए मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार शायद, चलिए रुक जाइए। यहाँ पर दे रखा 8 8 दे रखा। देखो कभी भी जो है डायरेक्ट मत करना इन क्वेश्चनों को, हाँ डायरेक्ट नहीं करना, अभी बताता हूँ मैं कैसे गलत आएगा आपको। चलिए डायरेक्ट नहीं निकालना है। आपके पास जो है बोरोन, बोरोन है दे रखा, बेरिलियम है, 8 है इसका बेरिलियम का, तो ये जो इसकी रेडियस दे रखी है 2.4 फर्मी दे रखी, आपको पता ही कितना होता है आर बेरिलियम, कितना आर नॉट 1/3, ये कितना हो जाएगा। और वहीं आर एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आर नॉट, देखो दोनों में डिफरेंस देखना अभी कैसे आएगा। तो इसका देखिए, इसका कितना हो जाएगा आर नॉट, ए कितना हो जाएगा 8 1/3, और इसका कितना हो जाएगा 8 दे रखा गिवन में क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसका कितना है, इसका 27 है 1/3। सो आप करिए क्या, कंपेयर करिए एल्युमिनियम, क्या निकालना अपना आर बेरिलियम, तो कितना हो जाएगा, मैं कर दूं 27/8
वन बाई थ्री। देख लीजिए अगर इसका ऊपर करेंगे तो इसका कितना आएगा, वन बाई थ्री तीन, और इसका कितना आएगा दो। देखिए आर एल्युमिनियम, कभी भी गलती मत कर देना डायरेक्ट, और ये दे रखा है इसका आर बी कितना दे रखा है 2.4। अब देख लीजिए 10 कितना रहेगा 3, और ये 24 अपॉन कितना 2 × 10, ये कर लीजिए कितना रहेगा 12, और ये 5 ये 6, तो कितना होंगे 18 अपॉन कितना 5। सेम ही आ रहा है ठीक है, 3.6 सेम ही आ रहा जी। पर लगाने के बाद अगर किसी को याद, देखो अप्रोक्सीमेशन ये तो यही आता है जो है आर आर नॉट ठीक का आपने 1.2 होता है, लेकिन इसको यूज करना आप लोग ठीक है, कई क्वेश्चन में गड़बड़ा हो जाता है ठीक है, क्योंकि तो जहां पास पास आंसर हुए ना वहां गड़बड़ा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो 1.2 फर्मी के इक्वल होता ही है ठीक है, जिसको याद नहीं है वो ऐसा कर सकता है ठीक है, वैसा ना करे ऐसा ही करे तो ही आपका फायदा है ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, द मिरर न्यूक्लियाई ऑफ इतना। मिरर न्यूक्लियाई क्या होता है, मिरर न्यूक्लियाई मिरर मतलब अगर इसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो एक के मान लीजिए 5 है दूसरे के 4 है, तो दूसरा जो होगा ना मिरर में उसके प्रोटॉन 4 होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे 5 होंगे, बहुत बढ़िया, तो इसके साथ कौन सा हो जाएगा देख लीजिए, डी ऑप्शन, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी जो है बिल्कुल कितना न्यूट्रॉन, इसमें देख लीजिए इसमें कितने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है 5, न्यूट्रॉन कितने 6, इसमें देख लेते हैं किसके लिए, सबसे पहले अगर देखें हम किसकी बात कर रहे हैं 5 बोरॉन 11 की, तो इसके पास जो है अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो कितने है इसके पास 5, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 11 में से 5 गए 6, वैसा ढूंढिए जिसके प्रोटॉन जिसके पास कितने हैं 5 है सॉरी 6 हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं 5 है, वैसा ढूंढिए तो कौन सा हो जाएगा देख लीजिए, आपका डी ऑप्शन मैच कर जाएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वार्क आर कंस्टिट्यूंट ऑफ, तो याद रखना ऑल पार्टिकल का बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑल लेप्टॉन के भी बिल्कुल नहीं हो सकते, क्या आर कंस्टिट्यूंट ऑफ ठीक है, तो क्या हो जाएगा ओनली जो ऑल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पार्टिकल होते हैं वही क्या होते हैं इसके कंस्टिट्यूंट होते हैं ठीक है। चलिए अभी यहां से सीरीज चेंज हो रखी है, मैंने इसको जो है प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट मैंने आपके पास इसको निकाला है ठीक है, ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन मतलब देख लीजिए, फर्स्ट कौन सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइनोस्फीयर इज, कितना होता है आइनोस्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी ऑप्शन, तो अगर और उसका पूछा जाए अगर आपके पास क्या है क्या हो जाएगा लेस देन वन ठीक है, तो इसका कितना होता है लेस देन वन, व्हाट इज क्या है
व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कितना ऑप्टिकल फाइबर, तो किस पर होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, ठीक है, किस पर होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। चलिए नेक्स्ट आपके पास जो है कौन सा, ये तो ये वही हो गया लाइन स्पेक्ट्रम। फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट कितना होता है, 1/37, सी ऑप्शन, अलाउ ट्रांजिशन, ये हो जाएगा तो कर लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, व्हेन अ मेटल बिकम्स अ सुपर कंडक्टर देयर इज अ क्या है ये, ट्रेमेंडर डिक्रीजेस इन, एक्सक्यूज मी सर, सर एक क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा ही आपने अभी बोला ना, जस्ट द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टेंट हैव अ वैल्यू नियर अबाउट, एक क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस चैट में भेजा जस्ट अभी जी, इसके जैसा क्वेश्चन ये सर ये भेजा, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज c/137, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोहर ऑर्बिट, तो उसमें 2c, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2c/137 हो गया, क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपने दिया जस्ट। देखो अल्फा जो है, चलिए मैं उनको भी डिस्कस करता हूँ, देखिए अगर आपके पास क्या है, अल्फा जो है, अल्फा जो फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट होता है ना अल्फा, वो होता है c/137, ठीक है। अब जो अगर आपके पास क्या है, हमने स्पीड का भी एक फॉर्मूला लिखवाया होगा, ठीक है, अब बताइए आप कौन सा क्वेश्चन करें आप, अटोमिक का ना, एक सेकंड में पेपर निकाल लो, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10, क्वेश्चन नंबर जो 64 क्वेश्चन भेजे उनमें से, क्वेश्चन नंबर है, यस सर उन्हीं में से है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज c/137, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर ऑर्बिट विल बी, कौन सा ऑप्शन 10 देख लीजिए क्या हो जाएगा। अगर आपकी आप देखें, अगर फर्स्ट बोर ऑर्बिट में देखते हैं हम कि जो फर्स्ट बोर ऑर्बिट है उसमें क्या हो जाती है, कितना हो जाएगा, यहां से देख लीजिए, कहीं ना कहीं जो है जो स्पीड होती है कितनी होती है, कितनी आती है स्पीड, आप कर सकते हैं एमबी आर इक्वल टू किस से, एनएच अपॉन 2 पाई, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, यहां से बी कितना आ जाएगा आपका, एनएच अपॉन 2 पाई। अगर हमको क्या है, अगर रेडियस, अगर आपके पास क्या है फर्स्ट बोर रेडियस जानते हैं आप कितना कितना होता है, अगर बोर रेडियस की बात करते हैं आप तो कितना होता है, 0.53 एन स्क्वायर, यही तो होता है, फर्स्ट की जगह यहां पर 1 आ जाएगा, फिर देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं जो है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा, एक n से जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहां पर, कौन सा है चार्ट पे लगा दो छोटा वाला, ठीक है, कहां है जब माइक ऑफ कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है, तो यहां पर क्या है v इक्वल टू क्या है, n अपॉन 2 पाई एम आर। अब आर की जगह मैं अगर देख लीजिए यहां पर रख दूं कि एन एच अपॉन टू कितना 2 पाई एम, यहां से क्या कर दूं मैं, ये 0.53 एन स्क्वायर, तो एक अगर मैं यहां से कैंसिल कर दूं तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अगर एन की वैल्यू 2 है, अब देख लीजिए इन्होंने पूछा एन इक्वल टू 2 के लिए सेकेंड में ना, तो आप क्या करोगे, v इक्वल टू कितना होता है, हम कहेंगे कि c पहले के लिए कितना होता है 130, 130 के बाद कितना करेंगे 2 ऐड कर देंगे,
तो कितना आ जाएगा आपके पास, यही आंसर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, इसको दुगुना कर दीजिए, वही आंसर है। समझ रहे हैं कैसे हुआ ये, एक बार और बता दूं? यस सर, समझ में आ गया। और किसी का डाउट है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उनको देख लेना एक बार। कोई डाउट है तो आप मेरे को बेझिझक पूछ लेना। दसवें का सी 274 हो जाएगा, 137 का। ठीक है, ठीक है, वैसे भी उनको देख लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो, जो है प्रैक्टिस करके आना उनको, जब भी जाओगे हो जाएंगे वो, एक रात में तो हो जाएंगे। अभी न्यूक्लियर का भेजना बाकी है, मतलब अभी भेजता हूँ मैं। ठीक है, और अपना रिलैक्स हो के अब जो है ज़्यादा देर उठे ना, मतलब ऐसा नहीं है कि अब 2 दिन रहे तो अपना प्रॉपरली सोए। अब NACL FCC है सर, बिल्कुल सर, यहाँ कुमाऊँ में तो रोड की बड़ी हालत खराब हो गई है। कुमाऊँ में? हाँ सर, बहुत ही ज्यादा, मतलब फिर से बारिश आई है ना, मतलब रियल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना यहाँ को, इस साइड को। अच्छा, हाँ, पिथौरागढ़ वालों ने तो भाजपा के महामंत्री ने वो भी दिया था, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था कल, लेकिन वैसे तो हम तो यही चाहते हैं कि पेपर पीछे ना हो ना, जो जैसे हम लोग तो प्रॉपर में है ना जी, लेकिन सर रियल में बड़ी बहुत बिगड़ स्थिति।